दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे मुकाबले के लिए रोहित ने टीम में कर दिए बड़े बदलाव। इंदौर के मैदान पर हमें देखने को मिल सकता नया भारत। दूसरे मुकाबले में जीत दिलाने वाले दो अहम खिलाड़ियों को भारत का रास्ता दिखाकर ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को दिया है प्ले 11 में मौका, जो अकेले चकनाचूर कर सकते हैं कंगारुओं का खनन। तो आखिर तीसरे महामुकाबले के लिए क्या है कप्तान रोहित शर्मा का मास्टर प्लान और कौन से धाकड़ खिलाड़ियों को दिया है रोहित ने टीम में मौका, उनके बदलाव के साथ साथ पूरी प्ले 11 हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर कप्तान कौन है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की कमान अपने कंधों पर उठाकर रोहित ने जो शानदार खेल दिखाया, उसके बाद उनका नाम क्रिकेट जगत में सबसे महानतम कप्तानों में शुमार हो गया। पहली पारी में सम्मी जडेजा और अश्विन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को महज 263 रनों पर ढेर कर दिया और फिर बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई और 31 रन बना लिए। हालांकि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से एक रन पीछे रह गई, लेकिन जडेजा ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बनकर सामने आए और ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ खतरनाक बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाकर टीम इंडिया की जीत की पटकथा लिख दी। सर जडेजा के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम 113 रनों पर ढेर हो गई और 114 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने इस बड़े मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, भारतीय टीम को अभी WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मुकाबले को अपने नाम करना होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा मुकाबला इंदौर के मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले को रोहित शर्मा किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, इसीलिए रोहित शर्मा ने एक साथ कई ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिनकी उम्मीद शायद आपने भी नहीं की होगी। दोस्तों, आपको बता दें, लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे राहुल को बाहर का रास्ता दिखाकर रोहित शर्मा शुभमन गिल को तीसरे मुकाबले के लिए मौका दे सकते हैं। यानी तीसरे मुकाबले में हमें रोहित के साथ गिल ओपनिंग करते नजर आने वाले हैं और वहीं रोहित शर्मा ने अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी कोहली और पुजारा पर भरोसा जताया है। हालांकि इन दोनों ने अभी तक कोई कमाल का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ये किसी भी पल मुकाबले को पलटने का दमखम रखते हैं। इनका साथ देने के लिए रोहित शर्मा एक बार फिर अय्यर को मौका देते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, विकेट कीपर के तौर पर KS भरत ने शानदार खेल दिखाया। ऐसे में ईशान किशन को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है। KS भरत ही तीसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते नजर आएंगे और वहीं ऑलराउंडर के रूप में अश्विन और जडेजा एक बार फिर देखने को मिलेंगे। वहीं इंदौर के मैदान पर अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अक्षर पटेल बल्ले से बेहद शानदार योगदान दे रहे। वहीं बात करें तेज गेंदबाजों की, तो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने काल बनकर सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों, गिल और कुलदीप यादव की वापसी से टीम इंडिया और भी ज्यादा मजबूत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में कंगारू को पछाड़ पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।